नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक एक कार फैक्ट्स में। और आज आपके सामने है टाटा पंच का एडवेंचर रिदम सीएनजी में, और इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस है 8,19,000 रुपये। और आज मैं हूँ बरेनियम टाटा मोटर्स कोलार रोड भोपाल में, तो यहाँ पर ये गाड़ी आपको लगभग 9,30,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम इस गाड़ी से जुड़ी सभी चीज़ें डिटेल में देखेंगे, तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जब से ये गाड़ी सीएनजी में लॉन्च हुई है तब से इस गाड़ी की फिल्में 4 चांद लग गए हैं। इसकी खास वजह इसमें मिलने वाला माइलेज। पेट्रोल में ये गाड़ी 19 KMPL का और सीएनजी में 27 KMPL का माइलेज मिल जाता है। बीच में देखेंगे तो लोगो है क्रोम का, इधर देखेंगे तो हॉर्न की प्लेफिंग है, चौड़ी पट्टी मिल जाती है पियानो ब्लैक फिनिश में। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे पार्किंग लैंप दिया है और साइड में ही टर्न इंडिकेटर है। नीचे रिफ्लेक्टर बेस लो बीम और हाई बीम के लिए हाइलोजन बल्ब का यूज किया है, और साइड में ही आपको एयर के लिए जगह दी गई है। नीचे इसमें कोई भी आपको फॉग लैंप प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन इसे आप आफ्टर मार्केट या शोरूम से इंस्टॉल करवा सकते हैं। और नीचे देखेंगे तो कुछ इस टाइप से ट्राई एरो शेप में पूरी ग्रिल दी गई है, और कुछ इस टाइप इसका पूरा फ्रंट का व्यू लगता है जो देखने में बहुत शानदार लगता है। कहीं पे कोई कमी नहीं है, और यही वजह है कि ये गाड़ी इतनी ज़्यादा सेल होती है। ऊपर डुअल वाइपर और वॉफर का सेटअप है। रूफ देखेंगे तो पूरी तरह से प्लेन है, पीछे रेगुलर इंडीना दिया है, कोई भी इसमें आपको सनरूफ वगैरह नहीं मिलता। डोर ओपन था, एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ, उसके बाद आपको सभी चीज़ें दिखाता हूँ। साइड से देखेंगे तो कुछ इस टाइप से पूरे डिज़ाइन लगता है गाड़ी का, देखने में तो अच्छी लगती है, अच्छी काफ़ी लंबी चौड़ी गाड़ी लगती है। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो 3827 mm इस गाड़ी की लेंथ है, 1742 mm विड्थ है, और 1615 mm हाइट है, और 2445 mm का मिल जाता है व्हील बेस। टायर प्रोफाइल की बात करें तो C8 का टायर दिया है, 15 इंच का है। यहाँ पे आपको व्हील कवर यूज किया गया है ब्लैक कलर का, देखने में अच्छा लगता है। ऊपर पूरी क्लैडिंग दी गई है। ORBM देखेंगे तो बॉडी कलर में ही है, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड आपको हाथ से करना पड़ेगा। और यहीं पे इंडिकेटर दिया है। बॉडी कलर में ही आपको डोर हैंडल दिए गए, देखने में अच्छे लगते हैं। और नीचे देखेंगे तो ये पूरी क्लैडिंग दी गई है, चौड़ी क्लैडिंग है, जिसकी वजह से ये गाड़ी थोड़ी सी और भी मस्कुलर लगती है। आगे वाले टायर में डिस्क ब्रेक है, पीछे वाले में ड्रम ब्रेक दिया है। पीछे वाला डोर देखेंगे तो थोड़ा सा यूनिक टाइप से यहाँ पे डोर को ओपन और क्लोज करने के लिए चीज़ें दी गई हैं। अब एक बार हम इसका पूरा रियर का व्यू देखते हैं। पीछे थोड़ी सी जगह कम है, लेकिन सारी चीज़ें दिख जाएंगी। डिज़ाइन कुछ इस टाइप से लगता है, अच्छा लगता है, कहीं पे कोई कमी नहीं है। बीच में लोगो है क्रोम पे। नीचे देखेंगे तो रियर के लिए यहाँ पे ये कैमरा दिया है, पंच की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है। ऊपर देखेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, वाइपर वॉफर डिफॉगर कुछ भी नहीं दिया है। साइड में देखेंगे तो छोटू सा ही स्टीकर लगा हुआ है। ऊपर हाई स्टॉप माउंटेन लैंप है, छोटू सा ही स्पॉयलर है, और रेगुलर एंटीना दिया है। इधर देखेंगे तो वोकल फॉर लोकल की बैजिंग है और CNG का स्टीकर लगा हुआ है। पूरा टेल लैंप यूनिट देखेंगे तो ट्राई एरो शेप में है, देखने में अच्छा लगता है। अंदर आपको हाइलोजन बल्ब का यूज किया गया और उसी में इंडिकेटर है। नीचे देखेंगे तो रिफ्लेक्टर है, थोड़ा सा ट्राई एरो शेप का डिज़ाइन है, देखने में अच्छा लगता है। नीचे आपको यहाँ पे दो रिवर्स पार्किंग वाले अल्ट्रासोनिक सेंसर दिए गए हैं जो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, और यहीं पे रिवर्स पार्किंग के लिए लैंप दिया है। नीचे का पूरा एरिया देखेंगे तो मैट ब्लैक में है। ऊपर ICNG की बैजिंग दी गई है छोटी सी। अगर आप पूरा डिज़ाइन देखेंगे ना तो डिज़ाइन तो अच्छा लगता है, और सभी चीज़ें इसी टाइप से दी गई हैं, तभी तो ये गाड़ी इतनी ज़्यादा सेल होती है। 35 लीटर का फ्यूल टैंक है। ये गाड़ी पेट्रोल और CNG में मिलती है, कोई भी डीजल का ऑप्शन नहीं मिलता। डिज़ाइन तो इस गाड़ी का शानदार लगता है, चाहे आप फ्रंट से देखें, रियर से देखें, साइड से देखें, कहीं से भी देख लीजिए। और इस गाड़ी में आपको 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, तो अगर आप कहीं कच्चे रास्तों में भी लेके जाते हैं ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक बार हम इसका बूट स्पेस देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, और ये CNG में है तो किस टाइप की सारी चीज़ें मैनेज करी गई हैं। ऊपर देखेंगे तो अच्छी तरह से कवर किया गया है, साइड में यहाँ पे मजबूत हैंडल मिल जाता है, और ये टाटा की 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ी है, तो ये तो आप समझते ही हैं। ऊपर यहाँ पे पावरफुल ट्रे भी मिल जाता है। नीचे देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कहीं पे भी सिलेंडर लगा हुआ ही नहीं है, इतने स्मार्ट तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करी गई हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो अच्छा खासा बूट स्पेस भी मिल जाता है, कैबिन लाइट मिल जाती है, साइड में आपको ग्रॉसरी हुक भी दिया गया है, सारी चीज़ें दी गई हैं। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है, 30 लीटर का सिलेंडर है टोटल। डुअल यहाँ पे सिलेंडर रखे हुए हैं 60 लीटर के, और बहुत ही स्मार्ट तरीके से रखे गए हैं। और मतलब अब एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे, सोचेंगे कि इसमें स्पेयर व्हील कहाँ है, क्योंकि पूरी जगह तो सिलेंडर ने ले ली। तो नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत स्मार्ट तरीके से नीचे स्पेयर व्हील प्लेस किया गया है, जिसको आप ऊपर से ही ओपन कर सकते हैं। यहीं पे एक आपको नट मिल जाता है, साइड में देखेंगे तो यहाँ पे लगा हुआ है, इसी को आप ओपन करके नीचे से इसका पूरा व्हील निकाल सकते हैं। तो टाटा ने बहुत शानदार काम किया है,
और इसकी वजह से ये गाड़ी इतनी ज़्यादा सेल हो रही है, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, एक तो माइलेज चाहिए, दूसरा पीछे स्पेस भी मिल जाए बूट वगैरह सामान रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत तरीके से करी गई हैं। अब एक बार हम ड्राइवर साइड का पूरा डोर देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। पूरा देखेंगे तो डुअल टोन पे है, डार्क ग्रे और थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन टाइप का कलर है, देखने में अच्छा लगता है। ओपनर देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश में है। नीचे ORBM को एडजस्ट करने के लिए फोल्ड आपको हाथ से करना पड़ेगा। चारों पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं और ये वाला एरिया देखेंगे थोड़ा सा लाइट ग्रीन में है, अच्छा लगता है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे बॉटल होल्डर है और थोड़ा सा यूटिलिटी स्पेस और यहीं पे स्पीकर ट्विटर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब एक बार हम इसका पूरा अंदर का माहौल देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। आगे देखेंगे तो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, पीछे आपको फिक्स मिलते हैं, सीट आपको ज़बरदस्त मिलती है, अच्छी खासी फैब्रिक में सीट दी गई है, कुशनिंग शानदार है, थाई सपोर्ट आपको ज़बरदस्त मिल जाता है। कितनी भी दूरी अगर आप ड्राइव करेंगे ना तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी, पूरी बकेट टाइप की सीट है। एयरबैग आपको नहीं मिल रहे हैं सीट पे, मैं वही चेक कर रहा था एक बार। यहाँ पे देखेंगे तो हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं है, आप रिक्लाइन कर सकते हैं और यहाँ आगे का आपको लीवर मिल जाता है जिससे सीट को आप आगे और पीछे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी देखेंगे तो ये भी प्रीमियम लग रहा है, पूरा डार्क ग्रे और थोड़ा सा लाइट कलर का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आपको AC नोब मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कलर है, जैसे आपको डोर हैंडल पे मिलता है ना डोर पे, उसी टाइप से यहाँ पे भी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे CNG और पेट्रोल में स्विच करने के लिए नीचे छोटी सी जगह है। ABC पैडल है, उसी के साइड में डेडिकेटेड डेड पैडल भी है। आगे का बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पे दिया है और फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए नीचे मिल जाता है। अब एक बार मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, उसके बाद आपको एक एक करके सभी चीज़ें बताता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। डोर के बंद होने की आवाज़ तो आपने सुनी ली होगी, 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मायने रखती है। स्टीयरिंग व्हील पूरा डी कट पे दिया गया है, देखने में अच्छा लगता है। बीच में लोगो है। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल और टेलीफोनिक का कंट्रोल दिया है और साइड में ही आपको हॉर्न मिल जाता है दोनों साइड। अगर स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करें तो इसको आप टिल्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वाइपर का कंट्रोल दिया है। राइट साइड में हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए चीज़ें दी गई हैं और सामने देखेंगे तो फुली डिजिटल आपको क्लस्टर मिल जाता है। MID बीच में है, इसमें आपको ज़रूरत की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कहीं पे कोई कमी नहीं है। ऊपर देखेंगे तो अच्छी खासी आपको विजिबिलिटी मिल जाती है, बोनट एरिया पूरा अच्छी तरह से दिखता है। इधर देखेंगे तो पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है, 8 इंच का टच स्क्रीन पैनल है, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के सपोर्ट के साथ आता है और यह पावर्ड बाई हरमन है, तो क्वालिटी आपको गजब की मिल जाती है। म्यूजिक क्वालिटी तो बहुत ज़बरदस्त दी गई है। नीचे देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ AC नोब है, बीच में हजार्ड बटन है और ये वाला एरिया देखेंगे तो ग्रीन कलर पे दिया गया है, छोटे छोटे पे टेक्सचर है, देखने में अच्छा लगता है। और नीचे देखेंगे तो आपको AC दिया है हीटर के साथ और ये जो बटन यूज करी गई है ना ये भी प्रीमियम क्वालिटी के हैं। नीचे 12 बोल्ट का सॉकेट है, बीच में USB का सपोर्ट है और यहाँ पे छोटी सी जगह दी गई है, मोबाइल या पर्स आप छोटे मोटे सामान रख सकते हैं। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है और नीचे भी देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश का यूज किया गया है। क्रोम की टिप के साथ हैंड ब्रेक है, 2 कप होल्डर हैं। ऊपर देखेंगे तो डे नाइट वाला मैनुअल IRVM है। यहीं पर कैबिन लाइट मिल जाती है, येलो लाइट है, हाइलोजन पे बातचीत करने के लिए माइक दिया है। उसके बाद आप ड्राइवर साइड का सनवाइजर देखेंगे तो टिकट होल्डर दिया है। को ड्राइवर साइड देखेंगे तो यहाँ पे वैनिटी मिरर है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको नहीं मिलता ग्रैब हैंडल, सिर्फ आपको दोनों पीछे ही मिलते हैं और ये भी फिक्स वाले दिए हैं, एडजस्टेबल नहीं मिलते। ऐसा कुछ पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन दिखता है, डार्क ग्रे और लाइट कलर की वजह से प्रीमियम लगता है और जिस भी जगह में थोड़ा सा पियानो ब्लैक फिनिश या क्रोम का टच लगता है ना तो चीज़ें शानदार हो जाती हैं। ऊपर पूरा हार्ड प्लास्टिक है, ये देखेंगे थोड़ा सा टेक्सचर टाइप से है, पूरी लेयर वाइज बनाई गई हैं, अच्छी लगती हैं। नीचे डिफेंस वाइज का ग्लव बॉक्स भी दिया है जिसपे आप अपनी ज़रूरत का सामान रख सकते हैं। कुछ इस टाइप से पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन लगता है, डार्क ग्रे और पूरा ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है, प्रीमियम लगता है। अगर सेफ्टी की बात करें तो 2 एयरबैग, ABS+EBD, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ISOFIX चाइल्ड सीट, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, कहीं पे कोई कमी नहीं यार। और 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग आपको मिल रही है, और क्या चाहिए। तो ये तो हो गई ड्राइवर और को ड्राइवर साइड की पूरी कहानी। अब एक बार हम पीछे का डोर ओपन करके देखते हैं कि अंदर क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। पूरा डोर ट्रिम देखेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं है, आगे की तरह ही सारी चीज़ें दी गई हैं, डुअल टोन पे ही है, डार्क ग्रे और यहाँ पे ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन, देखने में अच्छा लगता है। इंडिविजुअल पावर विंडो का बटन है, ओपनर दिया है, पीछे आपको एक स्पीकर मिल जाता है। इस गाड़ी में 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप है।
अब एक बार हम इसका पीछे का पूरा सीट देखते हैं। सीट भी आगे की तरह है, अच्छी खासी फैब्रिक में मिलती हैं, लेकिन आगे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, पीछे आपको फिक्स वाले दिए गए हैं। तीन लोग आराम से बैठ जाते हैं और अगर थोड़े से दुबले पतले हैं तो चार लोग भी मैनेज हो जाते हैं। सीट में अगर आप देखेंगे ना तो अच्छा खासा थाई सपोर्ट भी मिलता है, रिक्लाइन सपोर्ट भी है, तो अगर आप कहीं दूर के सफ़र में जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं लगेगा कि आप थक गए हैं, पूरी तरह से आप इंजॉय करेंगे। अब एक बार मैं गाड़ी के अंदर बैठ के आपको प्रैक्टिकल स्पेस बताता हूँ कि किस टाइप की चीज़ें मिलने वाली है। आगे वाली सीट को मैंने पूरा ही पीछे किया था, उसके बाद भी आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे मिल रहा है स्पेस, लेग रूम भी अच्छा है, नी रूम भी अच्छा, और थाई सपोर्ट तो आपको भरपूर मिल रहा है। हम्प देखेंगे तो यहाँ पे छोटू सा है, ना के बराबर आप समझिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पेस तो भरपूर मिल जाता है इस गाड़ी में, उसको लेके कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीन लोग आराम से बैठते हैं और चार लोग भी बैठ जाते हैं। अगर आप पीछे बैठे हैं तो कुछ इस टाइप से पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन दिखेगा जो प्रीमियम लगता है, डुअल टोन में है, जिसकी वजह से इसकी सुंदरता पे चार चांद लग जाता है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं हैंडल, ये फिक्स ही दिए हैं, एडजस्टेबल वाले नहीं दिए हैं। ये तो हो गई गाड़ी के अंदर और बाहर की पूरी कहानी। अब एक बार हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या आपको माइलेज मिलेगा, क्या आपको इंजन मिलने वाला है। इस गाड़ी में 1199 cc का BF6 फेज 2 वाला फुली रिफाइंड इंजन मिल जाता है, जो 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, और इससे आपको 72 BHP की मैक्सिमम पावर और 103 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। और ये 3 सिलेंडर इंजन है, पेट्रोल में आपको 19 KMPL का और यही CNG में 27 KMPL का माइलेज भी मिल जाता है। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।